30 सीलिंग्स की हैं, उसके 30 केसेस सुनने के अंदर ही हमारे कितने मैन आवर्स इसमें ऑलरेडी यूटिलाइज हो गए हैं, राइट। तो आज जब हमारी कोर्ट ख़त्म हुई तकरीबन 6 बजे के करीब, तो जितने भी केसेस हमने किए थे लोग बाहर खड़े थे। ऑफकोर्स आई कैन अंडरस्टैंड कि लोगों को एंग्जाइटी थी कि कब उनकी सीलिंग्स खुलेंगी, किनकी खुलेंगी किनकी नहीं खुलेंगी। तो आई अंडरस्टैंड कि एक एंग्जाइटी होती है, बट जिसको अगर पता है कि काम सही है उनका, उनको तो एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। मोर ओवर हमारे SDM ऑफिस में आकर मेरे पर्सनल स्टाफ के साथ बदतमीजी करना, मेरे ऑफिस के बाहर खड़े होकर बदतमीजी से बात करना कि SDM को मिलेंगे, देख लेंगे हम क्या होता है, आज हम आज ही लेके जाएंगे ऑर्डर, दिस सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस कैन नॉट बी टॉलरेटेड इन दी SDM ऑफिस और फॉर दैट मैटर इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस। हम कौन सा अपने घर का काम कर रहे हैं? आई एम डूइंग माई ड्यूटी, माई स्टाफ इज डूइंग दे ड्यूटी, एनीबडी पुटिंग एन हिंड्रेंस टू दैट विल जस्ट नॉट बी टॉलरेटेड। मैडम क्या था पूरा मामला, बताइए प्लीज। देखिए पूरा मामला ये था कि कोर्ट खुद में हमने 8 अगस्त एंड 9 अगस्त को कुछ सीलिंग्स की थी ऑफ जो भी इलीगल गोडाउंस एंड फैक्ट्रीज जो चल रही हैं पूट खुद के एक्सटेंडेड लालडोरा में। उसके अंदर काफ़ी गांव वाले ही थे, अपने पूट खुद गांव के ही गांव वाले थे और बरवाला के गांव वालों ने, नेबरिंग विलेजेस ने कंप्लेंट की थी कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटिंग एक्टिविटीज़ एंड इलीगल यूनिट्स जो चल रहे हैं, इट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। तो 133 की जो हमारी पावर है SDMs की, उसके तहत मैंने एक्शन लिया था एंड अराउंड 30 फैक्ट्रीज एंड गोडाउंस को हमने सील किया था। तो उसकी फिर फर्दर प्रक्रिया में ये होता है 133 की प्रक्रिया कि कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग्स होती है, जिन लोगों को जो भी सबमिशंस देनी है, मोर लाइक अ शो कॉज नोटिस, जिसको जो भी सबमिट करना है हम उनको बहुत ही सिविल तरीके से उनको बुलाते हैं, उनको बिठा के सारे उनके कागज़ वगैरह लेके सब सुन के प्रॉपर एक कोर्ट की तौर पर प्रक्रिया होती है इसकी। तो आज भी आज तकरीबन 3rd दिन था जब हमने कोर्ट प्रोसीडिंग्स ली केवल इस मामले में। एब्सोल्युटली जैसे कि आपको पता ही होगा 8 तारीख और 9 तारीख को भी जब हमने सीलिंग की थी तब भी धक्का मुक्की हुई थी, हाथापाई हुई थी, हमने FIR भी कराई थी इस पूरे मामले में। मेरे को खुद को चोट आई थी, मेरे सारा स्टाफ, मेरे तहसीलदार, मेरा PSO, दो लेडीज CDVs थी, दे वर हर्ट सो बैडली दैट वी हैड टू गेट MLC डन एंड FIR वॉज रजिस्टर्ड। मतलब 2-3 दिन तो मैं भी आई कुड नॉट मूव ऑल्सो, तो लकीली इट वॉज अ वीकेंड। एंड सिमिलरली आज भी ये लोग बदतमीजी करके गए, मेरे पर्सनल स्टाफ, मेरा ड्राइवर। कह सकते कि आज आपके ऊपर दूसरी बार अटैक करेंगे? एब्सोल्युटली। मेरे स्टाफ को ये कहना कि SDM निकलेंगी तो हमारे एरिया से ही हम देख लेंगे, व्हाट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज दिस? इफ दे ट्राइंग टू इंटिमिडेट मी, वेल आई एम सॉरी, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आई एम डूइंग माई ड्यूटी एंड राइटली सो। दे कैन नॉट थिंक दैट दे कैन इंटिमिडेट मी इन एनी वे। उनको करना है जो फिर करके दिखाएं। हमने पुलिस को बुलाया है, आज के पूरे सिलसिले की भी FIR करवाएंगे हम। एंड आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड द DCP, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, द DIFCOM एंड एवरीबडी फॉर पुलिस प्रोटेक्शन इन दिस मैटर। उसके अंदर टोटल 4 लेडीज थी जिन्होंने मेरे ऊपर एंड मेरी लेडी CDVs के ऊपर पर्सनल अटैक किया था, जिसमें मेरे को चोट भी आई थी। एंड 2-3 लोगों का नाम था जो इंस्टिगेटर्स थे, जिन्होंने पूरी भीड़ को एक्चुअली एजिटेट किया था और उन लेडीज को भी इन अ वे गुमराह किया था कि वो इतने उग्रता पे उतर आई थी। तो उन सबके अगेंस्ट उनको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा गया था। तो अभी मेरे को पता चला कि उनको बेल मिल गई है। तो उसके बाद आज फिर उन्हीं लोगों ने दोबारा से अटैक करने की कोशिश की, आपको थ्रेट किया है? एब्सोल्युटली। अब आई कैन नॉट पिन पॉइंट कि कौन लोग थे, बट दे वर द सेम पीपल जिनके हम केसेस सुन रहे हैं। एक्स्ट्रा टाइम लगा के हम अपने बाकी सारे काम, जैसे केरला का फ्लड रिलीफ का भी काम है, इतने सारे काम होते हैं SDM ऑफिस में, वो सब काम करने के साथ साथ हम ये भी काम कर रहे हैं बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर द पीपल। आई अंडरस्टैंड कि अगर हमने सीलिंग की है बट उसका डीसीलिंग की एक प्रक्रिया है, हम बिना प्रक्रिया के तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये गलत है? एब्सोल्युटली गलत है, बट इसमें डिमोरलाइज होने के कोई मतलब नहीं है बिकॉज जब हमने सर्विस ज्वाइन की थी तो हमने सत्यमेव जयते की ही शपथ ली थी एंड आई विल लिव अप टू इट। तो जो सीलिंग की गई थी वो अनऑथराइज्ड एरिया में थी, जो फैक्ट्रियां जो सील की गई थी, जो फैक्ट्रियां सील की गई थी वो रेजिडेंशियल एरिया में चल रही थी, विच इज अनऑथराइज्ड। ठीक है। शशिकांत जी, आप तहसीलदार है नरेला में, तो क्या पूरा मामला हुआ था एक बार बताइए। मामला ये कि कोर्ट करीब ने 133 का जो पूछ खुद में जो सीलिंग हुई थी 8 तारीख और 9 तारीख को, तो उस सिलसिले में अभी 133 के केस की हियरिंग थी आज। तो आज लोग आए हुए थे और करीब 6:45 केस की हियरिंग की समाप्त हुई और ऑर्डर के लिए उनको रखा गया कि ऑर्डर दिया जाएगा
और इस बीच हमें अभी मैं जस्ट आया था जी उनके पास डिस्कस करने के लिए कि हम केरला फ्लड के लिए हम मटेरियल भेजने वाले थे, तो उसके जो जो मटेरियल आए थे उनकी लोडिंग करानी थी, उसको मैं आगे की तरह रवानगी करनी थी। तो इस बीच जब केस ख़त्म होने के बाद वो लोगों ने वो ज़बरदस्ती चाहते थे कि ऑर्डर जो है उन्हें अभी मिले, और अब इसके कारण वो चिल्लाना शुरू कर दिया उन्होंने कि हम देख लेंगे इतने दिन से सीलिंग हुई है। तो हम जो है काम करें इसमें, क्योंकि केवल एक सीलिंग ही प्रोसेस, एक तो इलीगल काम वो कर रहे हैं, इलीगल काम के अगेंस्ट में हम एक्शन लेने के बाद हम फिर उनके बाद उनको हेयर भी कर रहे हैं, और फिर प्रोसीजर के अनुसार वो ऑर्डर भी हम कर रहे हैं। पीछे भी हमने कुछ जो पहले आए थे लोग उनके हमने ऑर्डर करके उनको डिसील किया। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उनको डेट दिया जा रहा है, उनको हियरिंग की जा रही है, और उसके बाद नेक्स्ट डेट को ऑर्डर होता है या उसके अगले डेट को ऑर्डर बना के सुविधा उनको ऑर्डर दी जाती है कि आपको डिसील किया जा रहा है करने का। तो ये किसी को थोपना कि हमें अभी चाहिए गवर्नमेंट ऑफिशियल पे या ऑफिशियल पे, ये प्रेशर बनाना कि किसी भी तरह से और थ्रेट